हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक खुशखबरी बता देना चाहता हूं, और खुशखबरी यह है कि राजस्थान पुलिस और एसआई के पदों पर जो भर्ती आयोजित की जा रही है उसके बारे में दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और वो खबर है वो दोस्तों, बताने से पहले अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मात्र एक दो दिन के अंदर आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस की क्लास है वो स्टार्ट की जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो आप दोस्तों वो क्लास है वो ले सकते हैं, और साथ ही प्रतिदिन एक मॉडल पेपर मिलेगा और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों देखो, राजस्थान पुलिस के बारे में क्या खबर है, तो देखो राजस्थान पुलिस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो स्क्रीनशॉट है ये राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट का है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखो स्टेट न्यूज है और यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट न्यूज है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो क्या न्यूज है, तो राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 नोटिफिकेशन फॉर 5000 कांस्टेबल 706 एसआई रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फोरम लेटेस्ट न्यूज टुडे, ठीक है। यानी कि आज की जो न्यूज क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस में आज की जो खुशखबरी है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये तैयारी करने वाले जो लोग हैं उन सभी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन होगा। तो दोस्तों देखो, राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 की घोषणा की गई है। आप सभी को पता है कि पिछले दो तीन बार घोषणा कर चुका है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो, तो इनमें 5000 कांस्टेबल और 706 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 5706 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। जहां पर हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान पुलिस 2019 के लिए आवेदन हेतु विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा है वो क्या रहेगी, ठीक है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 में सिलेक्शन होने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, और साथ ही आपके सभी डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसे क्या होता है राजस्थान पुलिस में, कैसे तैयारी करनी है वो भी हम आपको एक वीडियो बना के और आपको बता देंगे, ठीक है। देखो, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो सबसे पहली बात यही है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 के लिए 5706 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें 5000 कांस्टेबल पदों की भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी और 706 सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। तो देखो, राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो 5000 पदों के लिए जो भर्ती होगी उसका आयोजन है वो पुलिस मुख्यालय करवाएगा, ठीक है। और जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, उसका जो आयोजन है वो आरपीएससी करवाएगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, कांस्टेबल के लिए योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है, और इंस्पेक्टर भर्ती के लिए योग्यता है वो ग्रेजुएट पास रखी गई है, यानी कि कॉलेज पास तो इंस्पेक्टर और 10वीं पास है वो कांस्टेबल के लिए इसमें योग्यता है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, सितंबर के दूसरे सप्ताह, सितंबर माह के दूसरे सप्ताह, यानी कि मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर दोस्तों ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है, और एसआई का भी नोटिफिकेशन है वो 14 सितंबर तक जारी किया जा सकता है, ठीक है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बाद में लगभग 3600 पद है वो बढ़ाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों एक बार ये भर्ती तो 5000 के लिए की जा रही है, लेकिन जैसे ही ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो दोस्तों इसके लिए 3600 पद हैं वो और बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, और बढ़ाए जाएंगे।
तो देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 एग्जाम डेट क्या रहेगी इसमें, तो देखो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 5000 पदों के लिए नोटिफिकेशन सितंबर के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। फिर इसके 3 से 4 माह बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करवाई गई थी, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी और फिर वापस से ऑफलाइन परीक्षा करवाई गई थी। ठीक है, इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन करवाई जा सकती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन बड़ी संख्या में आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन परीक्षा करवाने में काफ़ी समय लगता है। संभावित है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 परीक्षा दिसंबर या जनवरी माह में कराई जा सकती है, यानी कि दोस्तों सितंबर में इसके फॉर्म चालू होंगे। ठीक है, और जो परीक्षा है वो दोस्तों दिसंबर या जनवरी में इसकी परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी से ही तैयारी करने लग जाओ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए। ठीक है, राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, अगर अपन योग्यता की बात करें तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है और इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट पास रखी गई है। 10th क्लास पास युवक राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि योग्यता इसमें कांस्टेबल के लिए 10वीं पास और एसआई के लिए ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। देखो एज लिमिट की मैं आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स, तो इनकी एज रहेगी दोस्तों 18 से 25 वर्ष। ठीक है, ओबीसी की रहेगी दोस्तों इसमें 18 से 26 वर्ष और जनरल फीमेल की जो डेट रहेगी वो सॉरी आयु सीमा रहेगी वो है 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी की दोस्तों 18 से 28 साल तक रहेगी इसमें, और दोस्तों फीमेल की रहेगी 1833 वर्ष और एक्स सर्विसमैन की रहेगी 18 से 42 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसमें एज लिमिट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, अब देखो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एसएसओ एक आईडी है। ठीक है, उस एसएसओ आईडी के तरह उसमें जाके और ये फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, और उसका जो फॉर्म भरने के बाद में जो प्रिंट आउट निकलेगा वो अपने पास रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोग्रेस फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में दोस्तों शारीरिक दक्षता एंड क्षमता, यानी कि 5 किलोमीटर की है वो दौड़ होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद में अगर कोई पास होता है तो दोस्तों फिर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, फिर उसके बाद में दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो देखो रिटन एग्जाम कांस्टेबल में रहेगा, कांस्टेबल जीडी के अंदर रहेगा दोस्तों, 75 नंबर का पेपर रहेगा और ड्राइवर के अंदर भी दोस्तों इसमें 75 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, फिजिकल की अगर अपन मैं बात करूं तो दोस्तों कांस्टेबल का जो फिजिकल है यानी कि जो दौड़ है वो 15 नंबर की रहेगी और ड्राइवर है उनकी दौड़ है वो दोस्तों 10 नंबर की रहेगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जैसे ड्राइवर को दोस्तों टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में यानी कि गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा और उस टेस्ट में 15 में से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो 75 और 15 कितने होते हैं तो 90। ठीक है, बाकी की दो 10 हैं, बाकी के दो 10 अंक हैं वो दोस्तों एनसीसी की, ठीक है, एनसीसी वालों को और होमगार्ड को मिलेंगे वो 10 अंक। ठीक है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और होमगार्ड का सर्टिफिकेट है तो दोस्तों उनको ये 10 नंबर उनमें से मिलेंगे। ठीक है, और 15 नंबर का दोस्तों इसमें जो ड्राइवर वालों में जो टेस्ट रहेगा गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या आता है दोस्तों इसमें, देखो मैंने बता दिया टोटल 100-100 हो गए यहाँ पे, तो सिलेबस में देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जो 75 नंबर के होंगे। परीक्षा का समय है वो 2 घंटा रहेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक
प्रत्येक पार्ट में लाने होंगे और एससी एसटी वर्ग को 36% अंक प्रत्येक पार्ट में लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, पिछली बार राजस्थान पुलिस के बी पार्ट में अधिकांश विद्यार्थी फेल हुए थे, इसके लिए राजस्थान पुलिस पेपर के बी पार्ट की तैयारी आप अच्छे से करें। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 30 नंबर की तो रहेगी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। ठीक है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। उसके बाद में देखो इसमें जनरल साइंस और करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, और जनरल नॉलेज रहेगा। ये रहेगा दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ठीक है, तो 30 और 15 45 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 45 नंबर हो गए, और क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, 60 क्वेश्चन 45 नंबर। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसमें हिस्ट्री यानी कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आर्ट ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है, ये सभी राजस्थान की होगी और ये सह पार्ट होगा राजस्थान का, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो 45 और 30 75 अंक का दोस्तों ये पेपर होगा, टोटल 120 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी है। सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में दोस्तों इसके फॉर्म है वो चालू होने की अधिकांशतः संभावना है, ये दोस्तों आज की खबर है। और हमारे आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान पुलिस पटवार रिट फर्स्ट ग्रेड की क्लासें हैं वो फिलहाल में चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को दोस्तों सुचारू रूप से चालू रखें। जय हिंद, जय भारत।